संदीप राजन ने अरुणिता कांचीलाल के लिए जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच हो गई है। पवनदीप ने 2 साल पहले अरुणिता के लिए एक बात बोली थी और जो जो बात बोली वो बात उनकी सच हो गई है। तो आप भी याद करें जब इंडियन आइडल के मंच पर 2 साल पहले पवनदीप राजन विनर घोषित किए गए थे तो उन्होंने अरुणिता कांचीलाल के लिए कुछ स्पेशल बातें बोली थी। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि अरुणिता कांचीलाल का हाथ नहीं छोड़ेंगे और आज 2 साल बाद तक अरुणिता पवनदीप एक साथ हैं। तो पवनदीप ने और भी क्या बातें बोली थी हम आपको आज याद दिलाते हैं, शायद आपको भी सुनकर खुशी होगी और आप भी यही बोलेंगे कि आज के जमाने का ये सिंगर नहीं बल्कि लोगों के लिए भगवान है और ये सिंगर बहुत आगे तक जाएगा और अपने उत्तराखंड की जान और शान भी कहा जाता है। तो क्या कहा था पवनदीप ने हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि मैं अपने इन 6 दोस्तों के साथ पहले केदारनाथ जाऊंगा, बाबा को धन्यवाद कहूंगा, उसके बाद मम्मी पापा को भी घुमाऊंगा। पहले 6 दिन के लिए मैं मेरी इंडियन आइडल की फैमिली के साथ छुट्टी पर जाना चाहूंगा, उससे पहले हम सब अपने अपने घर जा रहे हैं, फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे, फिर हम केदारनाथ जाएंगे और फिर मुंबई आकर एक ही बिल्डिंग में घर लेंगे और हम सब साथ रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके माता पिता उन्हें इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी उठाते हुए देखकर वास्तव में बहुत खुश हुए। पवनदीप की खुशी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला। पवनदीप ने कहा था कि मैं अपने जिले में एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहता हूं ताकि छोटे बच्चे सीख सके और जीवन में आगे बढ़ सके। उन्हें ये भी देखने को मिलेगा कि पेशेवर तरीके से चीजें कैसे की जाती हैं। मैं शुरू से ही अपने माता पिता के साथ रह रहा हूं और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बदले में मैं जो भी कुछ कर सकता हूं वो हमेशा कम ही होगा। आज पवनदीप अपने शहर उत्तराखंड के लिए, अरुणिता के लिए, अपने फैंस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं और कौन सी ऐसी बात है जो अभी अधूरी रह गई है, पवनदीप ने अभी वो काम नहीं किया हो, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर राय लें। अरुणिता कांचीलाल की एक फोटो ने सबके होश उड़ा दिए। अरुणिता कांचीलाल पवनदीप के घर चंपावत में हैं। शायद आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन एक फोटो सामने आई है जिसे देखकर आपका यकीन हकीकत में बदल जाएगा। लेकिन फोटो नहीं दिखाई गई लेकिन फिर भी एक फोटो हाथ लगी है जो पवनदीप की माँ सरोज राजन के बर्थडे पार्टी की बताई जा रही है। अरुणिता अपनी सास के लिए आखिर क्या कीमती गिफ्ट लेकर पहुंची है और अब तो पवनदीप के घर की खास सदस्य बन चुकी है अरुणिता, तो इस बर्थडे पार्टी में उनका होना जरूरी बताया जा रहा है। इस फोटो को देखकर कुछ इस तरह के ही कमेंट्स किए जा रहे हैं। अरुणिता के इस फोटो पर तमाम सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। आखिर अरुणिता कांचीलाल अपनी सास के लिए इस बॉक्स में क्या तोहफा लेकर गई हैं? जी हां, अरुणिता के हाथ का ये गिफ्ट इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। अरुणिता के हाथ में जो बॉक्स है उसमें क्या है? दरअसल वायरल फोटो में अरुणिता ब्लैक आउटफिट्स में नजर आ रही है। अरुणिता बिना मेकअप के संग हाथ में ये गिफ्ट कैरी किए हुए हैं और ये गिफ्ट अरुणिता अपनी सास के लिए लाई है। ऐसा हम नहीं बल्कि इनके फैंस कमेंट्स में अंदाजा लगा रहे हैं। राजन फैमिली में एक छोटा सा पारिवारिक फंक्शन था जिसमें अरुणिता बिना मेकअप के पहुंची और हाथ में ये गिफ्ट भी लेकर पहुंची। ये उनकी सास के लिए होगा। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो हम आपको पूरी हकीकत बताते हैं। ये फोटो पुरानी है, जब अरुणिता हाल ही में किसी शो में गई थी तब उनके फैंस ने उन्हें ये गिफ्ट दिए थे, जबकि लोग इस फोटो को इस वक्त पवनदीप राजन के माँ की बर्थडे पार्टी से जोड़ रहे हैं। हालांकि उनकी माँ का बर्थडे अभी पड़ा लेकिन ये फोटो काफी पुरानी है। हो सकता है कि अरुणिता पवनदीप के घर सरोज राजन के बर्थडे पार्टी में गई हो और जिस तरह से उनका नॉर्मल लुक है उससे अंदाजा लगाना भी गलत नहीं होगा कि ये फोटो पवनदीप राजन की घर की नहीं है। लेकिन इस वक्त ये फोटो के बारे में कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये फोटो पवनदीप राजन के घर की बर्थडे पार्टी की नहीं है बल्कि उनके इवेंट की है। इंडियन आइडल 13 की बेस्ट जोड़ी ऋषि विदिप्ता की लव स्टोरी को पवनदीप अरुणिता की तरह दिखाने की बहुत कोशिश की गई। इनके प्रपोजल डे को भी दिखाया गया लेकिन उस तरह से ये जोड़ी निखर कर नहीं आई जो इस वक्त पवनदीप अरुणिता हैं। इंडियन आइडल सीजन 13 के दौरान गेस्ट के तौर पर कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल आए हुए थे। अभी ऋषि की परफॉर्मेंस होने के बाद आदित्य नारायण के कहने पर कुमार सानू ने ऋषि को प्यार का इजहार करने के कुछ टिप्स बताए थे। दरअसल इस 13वें सीजन में ऋषि सिंह की जोड़ी विदिप्ता के संग खूब चर्चा में रही थी। कई बार अपने गानों के जरिए दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते दिखाई दिए थे, जिसको लेकर ये जोड़ी खूब सुर्खियों में रही और इन्हें खूब पसंद भी किया गया। जब कुमार सानू ने ऋषि को टिप्स के तौर पर ये कहा कि आज अपने दिल की बात कह दो तुम, तब ऋषि ने विदिप्ता के लिए कुछ कुमार सानू का सुपर हिट गाना आंसू की जरूरत हो जैसे गाना गाया था। ऋषि ने न सिर्फ गाना गाया बल्कि
गुलाब का फूल लेकर विदिप्ता के पास पहुंच गए थे, लेकिन जब देखा गया कि विदिप्ता थोड़ा घबरा रही है, तब उस गुलाब के फूल को चिराग को दे दिया गया और लास्ट में कहा कि मैंने जिसके लिए गाना गाया उस तक ये बात पहुंच चुकी है, अगर फिनाले तक साथ चले तो एक दिन जरूर प्रपोज कर दूंगा। अब ऋषि ने ये बात सच में कही थी या फिर लाइमलाइट के लिए कही थी, ये तो उनके फैंस ही जानते होंगे। वैसे इस वक्त ऋषि और विदिप्ता दोनों अलग अलग दुनिया में हैं। दोनों बहुत जल्दी इंटरनेशनल टूर पर जाने वाले हैं, लेकिन इस वक्त दोनों एक साथ गाने गाते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऋषि तो कई शोज में जाने भी लगे हैं, लेकिन विदिप्ता घर बैठ कर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर कर रही हैं। अब उनका आगे का क्या प्लान है, अब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर विदिप्ता घर में ही बैठी रह जाएंगी। ससुराल में अरुणिता ने खूब गदर काटा, जिसकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अरुणिता ने हल्द्वानी कॉन्सर्ट में अपनी नंदों के संग खूब एंजॉय किया। दृष्टि भी इनकी टीम में शामिल हो गई और फिर तो धमाल हो गया। दृष्टि ने एक बेहतरीन वीडियो शेयर किया है, जिसमें अरुणिता कांचीलाल तो नहीं दिखी, लेकिन इस वीडियो में अरुणिता की दोनों ननद और दृष्टि ने कमाल की परफॉर्मेंस दी। जी हाँ, चांदनी राजन और ज्योति दीप दृष्टि के संग यू आर माई सोनी गाने पर मटकती दिख रही हैं, इंस्टा रील बनाती दिख रही हैं और इस रील में तीनों के फेस एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। और सबसे ज्यादा दृष्टि को गौर किया जा रहा है, दृष्टि किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं, बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह एक्टिंग करती दिखाई दे रही हैं। वहीं ज्योति दीप भी कमाल की एक्टिंग कर रही हैं और चांदनी राजन को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इन्हें कंपनी देने के लिए वीडियो में शामिल हो जाती हैं। वहीं अरुणिता के लिए ऐसी एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो इस रील में उनके संग एक्टिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन इन सभी के संग उन्होंने ढेर सारे फोटो क्लिक करवाए हैं। चारों गर्ल्स को एक ही फ्रेम में देखकर लोग तरह तरह के कमेंट भी पास करें और कमेंट में सबकी नजर अरुणिता पर ही है। लोग पूछ रहे हैं कि इस पूरी राजन फैमिली में बस भैया जी की कमी है। जी हाँ, पवन भैया की कमी खल रही है, मतलब फैंस ने अभी से ही अरुणिता को राजन परिवार की बहू मान लिया है। और अरुणिता जिस तरह से इस फैमिली के संग खुश रहती है, वो देख कर यही लग रहा है कि इन्हें भी अब यही ससुराल चाहिए, कोई मिल ही नहीं सकता पवनदीप के अलावा। पवनदीप इनका जितना ख्याल रखते हैं, वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा, ऐसा इनके फैंस बोल रहे हैं। आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।